इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता, सुनील कुमार कटारिया सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी फर्म नंद कुमार एजेंसी पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर, वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrustee.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधु श्रीमान राजकुमार श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधु श्रीमान ललित श्रीमती नीलम श्रीमान सुशील ब्रज श्रीमान सुनील श्रीमती ऋतु श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला श्रीमान प्रवीण श्रीमान अजय श्रीमती संगीता श्रीमान अमित श्रीमती सुनीता फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन पुत्र एवं पुत्र वधु विकास जैन सोनिया जैन विजय जैन अंशु जैन पौत्र ऋषभ ऋषान पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन विनोद कुमार जैन रामपुर वाले VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून। श्रीमान अजीत श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल पुत्र पुत्र वधु श्रीमान अनिल श्रीमती नीतिका पौत्र महक मंत वेदिका गुवाहाटी पुत्र पुत्र वधु श्रीमान अजय श्रीमती निकिता पौत्री टियारा हुनर दिल्ली पुत्री अनु विनीत दिशा नित्या फर्म AN स्टील। स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधु श्री पारस जैन बज श्रीमती कुसुम जैन बज श्री प्रतीक जैन श्रीमती श्वेता जैन श्री पराग जैन श्रीमती मेघा जैन पौत्री सनाया पौत्र आरफ कयान रिद्दान अहमदाबाद। श्रीमती कमलाबाई ठोले श्री कैलाश चंद्र जी सुधा ठोले प्रकाश चंद्र जी सरोज ठोले श्री मुनीश श्रीमती शोभना ठोले कोपरगांव महाराष्ट्र श्री सुरेश जी श्रीमती रानी जैन डाल्टनगंज बिहार श्रीमान संदीप जी श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता श्रीमान विज्ञ जी श्रीमती ममता पाटनी इंदौर श्रीमान नीरज जी श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता श्रीमान राहुल जी श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा डॉक्टर अभिजीत जी श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर श्रीमती यतन कुमारी श्रीमान विशाल मधु दिशा निमिषा मयंक जैन निवासी आगरा श्री संजय जी सीमा शैलजा श्रियांश शिलोंग राहुल जी संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत श्री सुरेश अजमेरा श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली श्री नितिन अजमेरा श्रीमती शेफाली अजमेरा गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क श्रीमती सरोज श्री सुनील आशिका प्रतीक जैन अंकित एवं खुशबू पटौदी फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन। सुखद सूचना है, अभी अभी मुझे जैसे जानकारी मिली कि सम्मेत शिखर जी को लेकर के जैन समाज जिस मुद्दे को लेकर आंदोलित थी केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना सुनिश्चित किया है कि सम्मेत शिखर जी जैनों का सर्वोच्च पूजनीय पवित्र तीर्थस्थल है और उसे उसी रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ एवं नॉन वेज का विक्रय और उपभोग प्रतिबंधित रहेगा और जो अधिसूचना में कुछ बातें जो रखी गई थी उसे अब
प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उन सब बातों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, उसे अब लागू नहीं किया जाएगा। और चौथी बात जो मुख्य रूप से कही गई है कि इसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी उस कमेटी में जैन समाज के 2 सदस्यों को भी रखा जाएगा। ये मांग प्रारंभ से की गई थी, हमने अपने कई सदस्यों को इस संदर्भ में बोला था, निरंतर इसी मुद्दे पर सरकार से चर्चा हो रही थी। परसों इस बात पर चर्चा के बाद सहमति बनी थी, कल मीटिंग में सरकार ने इसका निर्णय लिया और आज उसे अंतिम रूप से, आज भी एक मीटिंग थी जिसमें अशोक जी पाटनी के नेतृत्व में, अशोक जी पाटनी, शिखर चंद जी पहाड़िया, गजराज जी गंगवाल और चमन लाल जी, आर के जैन साहब, संतोष जी पिंडारे, 6 लोग हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। मुझे संदेशा मिला, बहुत अच्छा कार्य हुआ, इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। हमें इस संदर्भ में मैं तो चाहूँगा आप सारे आंदोलन रोक देना चाहिए, किसी भी प्रकार की आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री अश्विनी जी चौबे, जिनने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, उनका, और साथ ही वन विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हैं सी पी गोयल जी, चंद्र प्रकाश जी गोयल, इनके प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहिए, उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मुझे ये भी जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन ने भी अपना पत्र केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव के लिए भेज दिया है और इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी उत्सुकता दिखाई है, हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर बहुत संतोष है और समाज को शांति रखकर इस चीज़ का पूरा करके आगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी बहुत सारे निर्देश दे दिए गए, प्रशासन ने अभी तक हमारा सहयोग भी किया, आगे भी करेगा। इस भाव से हमें चाहिए कि पूरी की पूरी जैन समाज इन सब के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करे और प्रशासन के साथ बैठ करके आगे की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनके सहभागी बने। मेरा सभी को आशीर्वाद है, जितने लोग इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिए, जिनने जो भी भूमिकाएँ बनाई, उन सभी को आशीर्वाद, खासकर संजय जैन, विश्व जैन संघ के, जिसने इसकी शुरुआत की, पूरी समाज में आगे बढ़ाए, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं। और साथ में इसमें जितने भी अनेक जैन समाज के प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान और समाज के प्रमुखों का योगदान है देने में, हमारे लिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, हमें उनको भी आभार देना चाहिए। जिस तरह से एक वातावरण मीडिया ने बनाया है, उसने इस पूरे के पूरे आंदोलन को गति देने में बहुत निमित्त, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और मुझे लगता है कि सरकार पर इसका भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। स्थानीय विधायक का भी इस कार्य में बहुत अच्छा योगदान था, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, सभी को आशीर्वाद। जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की गुणायतन में विराजमान सभी मुनि वृंदों की तीर्थराज सम्मेल शिखर जी की अहिंसामयी जैन धर्म की इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में दूरदर्शन में पारस एवं जनवाणी चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात है गुणायतन प्रणेता, संकल समाधान प्रवर्तक, भावनाएं प्रवर्तक एवं संप्रेषण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाता है। आज हम प्रत्यक्ष गुरुदेव किसी चरण में उपस्थित होकर अपने पृष्ठ प्रस्तुत करें, उसके पूर्व में आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ गुणायतन परिवार की ओर से, सेवायतन परिवार की ओर से। और मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का बल हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो, अतः मेरे साथ उच्चारिये नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मनस्थित गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है और इसमें कारण बने हैं आप,
आपकी उदारता, आपका उदात्त भाव, उसके कारण इतना बड़ा न्यास जहां आप देख पाएंगे पंचायतन शैली का अद्भुत जय मंदिर जो पाषाण से निर्मित हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा आपको तिम चैत्यालय के दर्शन कर रहे हैं। आप देख पाएंगे साक्षात समोह शरण और आप देख पाएंगे यात्रा जी आत्मा से परमात्मा की, ऐसे अनेक अनेक आयतन से संस्कृत जनाय के माध्यम से, साधना बसत के माध्यम से आप कुछ ही दिनों के बाद देख पाएंगे। आज भी इस कार्य के लिए अपना योगदान देकर अपने जीवन को धन्य किया है बहुत सारे भव्य आत्माओं ने, मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन करेंगे। निर्माण जी के रूप में ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं श्रीमान प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर सुपुत्र डॉक्टर प्रकाश चंद जी जैन इंदौर, यदि हैं उपस्थित तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजकुमारी जैन डॉक्टर अक्षय जैन होशंगाबाद, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। स्वर्ण दान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती लता रमनलाल जैन, अंतिम जैन, रानी जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हैं तो आए, हम उनका सम्मान करके हर्षित होंगे। लता जी, रमनलाल जी जैन, अंतिम जैन, रानी जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ठीक से आ जाए। एक गुल्लक प्रदान की है मोक्षा जेदेन तपकरे कोल्हापुर महाराष्ट्र, बहुत बहुत साधुवाद। सुधार के रूप में आज श्रीमती रेखा शरद जैन, आकांक्षा गौरव जैन, सिद्धिका जैन, ओहित जैन इंदौर ने संबद्ध किया अपने आप को, बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित करोगे आए। और उनका सम्मान करने के लिए ग्वालियर के ट्रस्टी श्रीमान विजय कुमार जी कासवाल डब्बू भैया, उनका सम्मान करके ग्वालियर के गौरव को महिमा मंडित करेंगे। श्रीमती रेखा जी, शरद जी जैन, आकांक्षा गौरव जैन, सिद्धिका जैन, ओहित जैन इंदौर का, आज सीता से आइएगा, सम्मान सम्मान स्वीकारें। इसी क्रम में राजन कुमार जी जैन, श्रीमती उषा जैन, डॉक्टर आलोक जी जैन, रश्मि जी, अचल जी, दीपा जी, अनन्या जी, आदि जी, आरा जी, आर्य जैन, उज्जैन, ये संबद्ध हुए हैं गुणातन से शुद्धार के रूप में, इनका भी सम्मान करके हम हर्षित होंगे। सम्मान करने के लिए साधारण आमंत्रित हैं गुणातन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन, इनका सम्मान करने के लिए पहुंचे, आइए जल्दी हम चलिए अब जाइए। श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन सम्मान करने के लिए आ रहे हैं, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने ऐसा उपक्रम किया है जिसके माध्यम इतना बड़ा न्यास, जिससे जैन धर्म अक्षुण होगा, जैन संस्कृति अक्षुण होगी, उसमें अपना धन लगा करके अपने धन को गौरव प्रदान किया है इन्होंने, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। गुणायतन के स्तंभ के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान अशोक कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, प्रवीण जैन, श्रीमती करुणा जैन, अजित कुमार जैन, प्रीति जैन, नेहरौनी ललितपुर से, यदि हैं तो सीखता से आ जाएं, गुरुदेव चरण अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मेहरौनी से मेहरौनी परिवार आ जाए सीखता से जल्दी, हाँ सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी CFO गुणायतन सम्मान करेंगे। राजन कुमार जी, उषा जी, आलोक जी का, डॉक्टर आलोक जी, रश्मि जी, तालियां लगातार बजती रहे आपकी। और आमंत्रित कर रहा हूं मेहरौनी ललितपुर श्रीमती शशि जैन, अशोक कुमार जी जैन, प्रवीण जी, करुणा जी, अजित जी, प्रीति जी जैन आ जाए सम्मान करने के लिए। साधन आमंत्रित गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, सुभाष जैन CEO गुणायतन सम्मान करेंगे। आज जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है गुणायतन के लिए 22 ग्राम सोना देकर के, एवं जो श्रोताओं के रूप में संबद्ध हुई हैं, जिन्होंने निरंतर 5 वर्षों से बाबा नगजा से लगातार एक सत्य महामंडल विधान के लिए केसर प्रदान की है, ऐसी श्रीमती विभा जी, दीपक जी कासनीवाल, कल्याण भवन इंदौर, अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन को, जो कानपुर से हैं, उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे। विभा जी, दीपक जी का कम कम से आइए, श्रीमान दीपक जी, विभा जी कासनीवाल इंदौर। और आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके, संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है डॉक्टर अमीयवर्धन जैन, अति जैन पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार जैन, सरला जी जैन, पिता श्री स्वर्गीय केशीचंद जैन, धनपति संतोष भाई जैन, कटनी वालों की स्मृति में संस्थापक सदस्य बनकर अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अमीयवर्धन जी को अपने पुत्र के साथ, अपने परिवार के साथ आए,
गुरु चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रिय जो स्थान दीजिएगा इन लोगों को। दीपक जी, विभाजी दीपक जी, विभाजी कासरीवाल पहुंच जाए। विभाजी कासरीवाल कल्याण भवन इंदौर। ठीक है, डॉक्टर अमी वर्धन आ जाए प्लीज बार बार। आप लोग भाई साहब निकलते जाइए, इकट्ठे खड़े मत हो, निकलते जाए प्लीज। समय कम है, आपको लाभ ज्यादा लेना है, इनसे बार बार निवेदन करो। डॉक्टर अमी वर्धन जी पहुंचे, रुकिए 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 माता जी। डॉक्टर अमी वर्धन जी पहुंच गए। डॉक्टर अमी वर्धन जी, अपने डॉक्टर अमी वर्धन जी काश अति जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, सरला जी जैन, स्वर्गीय पिता श्री कैसी जैन धर्मपत्नी, संतोष भाई जैन कटनी वालों की स्मृति में उन्होंने आज अपने आप को गुवाहाटी के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया है। वहां लिखा ऑफिस श्रीमती, चलिए श्रीमती सरोज, सरोज जी, सूरज जी, सूरज जी, अभिषेक अभिनंदन परिवार, इन्होंने एक छोड़ने की अंगूठी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। रसीद वापस ले लें, ऑफिस रसीद ले लें, इस प्रदान करवा के आइए। अमी वर्धन जी पहुंच रहे हैं, गुरु चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणादन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल सम्मान करेंगे। श्रीमती सरोज स्वर्गीय कुंदन लाल जैन विजयनगर इंदौर, जिन्होंने आचार्य श्री के सानिध्य में अपना मकान दान किया, फिर आचार्य श्री का इनके यहाँ आहार देने को सौभाग्य मिला, आज गुणादन के लिए स्वर्ण अंगूठी एक ही है, वो जा रही है चूड़ी प्रदान कर रही है, नहीं अंगूठी दूसरे की, ठीक है प्रदान कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब मैं आपको लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में, जिनके श्रीमुख से 31,000 रुपए कम से कम, 31,000 कम से कम मिनिमम 31,000 मैं लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में, जहां जिनसे आप पाएंगे अपनी शंकाओं के समाधान और कर पाएंगे जीवन को उन्नत। ऐसे गुरुदेव के श्रीमत सूर्यदेव स्वर्गीय कुंदन लाल जैन विजयनगर इंदौर आशीर्वाद देने। और अब मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मनीषा जी जैन जबलपुर को। मनीषा जी अपने स्थान में खड़ी हो जाए, प्रस्तुत करने के लिए इनके पास माइक पहुंचाया जाए। मनीषा जी तैयार रहेंगे। प्रियल कल रैया बंडा, प्रियल कल रैया बंडा अपने स्थान में खड़ी हो जाए, तैयार हो जाए। मनीषा जी अपने प्रस्तुत करें, प्रियल कल रैया तैयार है। आप लोग आवाजाही बंद कर दें, मंच में न आए भैया। हो गया महाराज जी, मेरे बच्चे हैं वो मेरे कहने पर तो देव दर्शन चले जाते हैं, पर ओ, पर आराम से बोलिए, फिर से बोलिए। मेरे बच्चे जो हैं देव दर्शन मेरे कहने पर तो जाते हैं, पर वे स्वतः ही नहीं जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपने मन से देव दर्शन के लिए जाएं? ये समस्या केवल आपकी नहीं, प्रायः सबकी। माँ बाप के दबाव प्रभाव में बच्चे देव दर्शन के लिए चले जाते हैं, पर श्रद्धा भक्ति से नहीं जाते। उसके वजह क्या है पहले हमें ये जानना चाहिए। इसमें गलती बच्चों की नहीं, उनके अभिभावकों की है, क्योंकि हमने बच्चों के लिए ये तो कहा कि बेटा मंदिर जाओ, पर कभी ये नहीं कहा कि मंदिर क्यों जाओ। हमें तो इतना पता है कि जब कोई विशेष काम होता तो कहा जाता था मंदिर जाओ, आज रिजल्ट खुलना है तो मंदिर जाना, परीक्षा है तो मंदिर जाना। हमने भय और लोभवश धर्म का पाठ पढ़ा है। काश वो
देवी कहते हैं जब मैं कोई पाप नहीं करता ये हाँ, करती बिल्कुल, बेटा बिल्कुल, और बेटी है मेरा पाप नहीं करती तो मंदिर जाने की क्यों है कैसे बिल्कुल, आ सकता बिल्कुल है? सही कहा उसने बाकी सब चीज में अच्छे लेकिन मंदिर के लिए मैं कैसे उनको पेड़ू नहीं ये केवल आपके बेटे की बात नहीं है आजकल के ज्यादातर बेटों का यही हाल है मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ और ऐसे बच्चों को हमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए हम लोग बच्चों को हिदायतें तो देते हैं पर उनकी चेतना को जगाने का कोई उपक्रम नहीं कर पाते हम बच्चों को मंदिर जाने के लिए बोलें पर साथ में ये भी बोलें कि हम मंदिर क्यों जाएं बच्चों के लिए मंदिर जाने के पीछे चार बातें उनके हृदय में जगाना चाहिए पहली बात सकारात्मक प्रेरणा पाने के लिए मंदिर जाओ तो मंदिर जाओ भगवान के समक्ष जाकर के भगवान से सकारात्मक प्रेरणा पाओ प्रार्थना करो हे भगवान मेरा जीवन सहज शांत प्रसन्नता और सकारात्मकता से चल सके ऐसी मुझे शक्ति दो आज मैं खुश रह सकूं सबको खुश रख सकूं मुझे ऐसी शक्ति दे ऐसी प्रार्थना जब हम भगवान के समक्ष करें तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा तो हम लोग भगवान के मंदिर तो जाते हैं पर कामना से भर कर जाते हैं जबकि भगवान का दर्शन हमें प्रार्थना के भाव से करना चाहिए अगर हम भगवान के चरणों में अच्छी प्रार्थना करते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है तो बच्चों को ये बात बताना चाहिए कि बेटे मंदिर जाने का पहला लाभ हमारे हृदय में एक सकारात्मक प्रेरणा जगती है दूसरी बात बच्चों से कहो कि बेटा मंदिर जाने से हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है बच्चे कई बार ऐसा बोल देते हैं कि मंदिर क्यों जाएं? भगवान तो सब जगह है एक बार एक परिवार था और जब मुझसे कहा गया कि महाराज जी इस बच्चे से कहो कि ये मंदिर जाए मैं उसकी तरफ देखा तो बच्चे ने कहा महाराज मंदिर क्यों जाएं? भगवान सब जगह है मैंने कहा बेटा जैसे भगवान सब जगह है वैसी हवा भी सब जगह है जैसे भगवान सब जगह है वैसी हवा भी सब जगह है पर तुम्हें अपनी गाड़ी में हवा भरवानी होती है तो क्या करते हो कहीं से भी हवा लेकर के कर लेते हो बोले नहीं नहीं महाराज उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन में जाना पड़ता है मैंने कहा क्यों जब सब जगह हवा है तो फिलिंग स्टेशन में जाने की क्या बात नहीं महाराज सब जगह हवा तो है पर वैसा प्रेशर नहीं तो मैंने उसको कहा बेटा भगवान भले सब जगह हो सकते हैं पर प्रेशर तो मंदिर में ही मिलेगा इसलिए मंदिर का काम केवल मंदिर में ही हो सकता है बच्चों को ये समझाओ अपने मन को श्रद्धा से भरना हो अपने मन को चार्ज करना हो तो मंदिर जाना होगा बिना किए तो नहीं होगा फिर कहा हम पाप नहीं करें तो मंदिर क्यों जाए रटा रटा डायलॉग है ना हम पाप नहीं करें तो मंदिर क्यों जाए मैं उनसे पूछता हूँ शरीर में कोई दाग नहीं लगे तो स्नान करते हो कि नहीं करते हो और हम पाप नहीं किए इसलिए मंदिर नहीं जाए ऐसा नहीं पाप करने वाले को मंदिर नहीं जाना चाहिए हमारा जीवन पूरा जीवन पुण्यमय बना रहे इस भाव से मंदिर जाओ भगवान के चरणों में आभार प्रकट करते हुए जाओ कि प्रभु आपकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल बनी रही आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया आप मुझे ऐसी शक्ति दे ऐसी बुद्धि दे कि मैं ऐसे ही निष्पाप बना रहा हूं इस भाव से मंदिर जाऊं जब बच्चों को इस तरीके से समझाएंगे तो उनकी श्रद्धा जगेगी और जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकेगा प्रियल कर लैया बंडा तैयार हैंगे श्रीमान सपन जी सराफ सरा परिवार भोपाल
मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम मंदिर जाते हैं तब कहा जाता है मन वचन काय तीनों की शुद्धि होनी चाहिए, और यह तो पावन तीर्थ सम्वेद शिखर जी है। तो महाराज जी, देखते हैं कि कई लोग लिपस्टिक, नेल पेंट और यह सब का इस्तेमाल इतने पावन तीर्थ पे करते हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? मतलब अगर हम मंदिर में ही इतना श्रृंगार करेंगे नेल पेंट लिपस्टिक का और इन सब का, तो महाराज जी मंदिर और पार्टीज में क्या अंतर रह जाएगा? बिल्कुल, बहुत सही बात कही है, और ये तो सोचना चाहिए, और ये बात उन्हें ही सोचना चाहिए जो तालियां बजा रहे। कुछ जगह तो हमें संयम का परिचय देना चाहिए। दरअसल एक बार जब आदत बन जाती है तो फिर लोग वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। अपनी आदतों में परिवर्तन लाना चाहिए और संयम के साथ रहो। और एक बात बताऊं, ये तो केवल मन की धारणा है कि पोतने पातने से सुंदरता आती। बताओ, दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां, क्या जरूरत है प्रसाधन की जब कुदरत ने तुम्हें सुंदरता दी? क्या जरूरत है सजने की जब कुदरत ने तुम्हें सुंदरता दी? देखो चांद कितना सुंदर लगता है बेगहने, देखो चांद कितना सुंदर लगता है बेगहने। बोलो, चांद कोई गहना पहनता है? हाँ, मोर कोई ब्यूटी पार्लर जाता है? पर अपने आप सहज आकर्षण, और कौवा अगर ब्यूटी पार्लर भी चले जाए तो क्या होगा? प्रकृति ने तुम्हें नैसर्गिक सौंदर्य दिया है, उस सौंदर्य का उपभोग कीजिए। जल सौंदर्य की तरफ अपनी दृष्टि मत ले जाइए, फिर भी आपको प्रसाधन का प्रयोग करना है कीजिए। मेरी इसमें कोई असहमति नहीं है, पर दो बातों का ध्यान रखिए। पहली बात कि जो भी प्रसाधन की सामग्री है वो विशुद्धतया अहिंसक हो, और दूसरी बात कम से कम धर्म स्थल में हम ऐसा प्रयोग ना करें। समझ गए? धर्म स्थल में हम किसको दिखाने के लिए जा रहे हैं? धर्म स्थल में हम किसको दिखाने जा रहे हैं ये बताओ। भगवान के चरणों में आए हो अपने जीवन को विशुद्धि से भरने की भावना से, या किसी के बीच जाकर प्रदर्शन करने की भावना से? क्या सोच कर आए? तो हम किसको दिखा रहे हैं? किसी की बड़ी पुरानी पंक्ति याद आ गई, व्यंग है, बुरा मत मानना, सुना दूं। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। बात समझने की है। इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और सात्विकता को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। चलिए, श्रीमान सपाली सराफ, सरा परिवार भोपाल, अपने परिवार के साथ आ जाएं। गोरे चरण का वंदन करें उसी अपने स्थान में खड़े होकर के, और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गणतन के ट्रस्टी श्रीमान डब्बू जी का आशीर्वाद, विजय जी का आशीर्वाद गया को। एक मिनट, सम्मान। और इसी क्रम में निर्मल कुमार जी, राजेश जी, श्रेणी जी, विशाल जी, अभिषेक जी, श्रेयान सरगम, स्वस्ति टोंगिया, विकास मधुल गंगवाल, ये जल्दी से आ जाएं, गोरे चरण का वंदन करें। इन्होंने आज पूरे आपको गणतन के निर्मा मित्र के रूप में जोड़ करके जीवन धन्य किया। सीखकर से आ जाएं श्रीमान निर्मल कुमार जी परिवार, आप परिवार की तरफ से। हाँ बोलिए, आप भोपाल समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु। एक मिनट, अभी अभी शायद होइए। हाँ बोलिए गुरुवार। मेरा एक प्रश्न है कि जो हमारे धर्म और तीर्थ पर संकट आया वो सब हम सबका पाप का उदय है, लेकिन हम इसके निवारण में अगर हम शिथिल और प्रमादी रहेंगे तो हमें कौन सा कर्म बंधेगा? इसके निवारणार्थ हम अगर पुरजोर प्रयास नहीं करेंगे तो हमें ऐसा कौन सा कर्म बंधेगा और उसका किस रूप में उदय में आएगा? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल धनी से इस परिवार का स्वागत कर दें। ये परिवार अरसे से जुड़ा हुआ है और गुणायतन की जब शुरुआत थी तब से ये पूरा परिवार जुड़ा है। एक बार जोरदार करतल धनी से स्वागत करें। आपने पूछा, बहुत अच्छा भाव रखा है कि हमारे धर्म तीर्थों पे संकट हमारे पाप कर्म के उदय से आता है, पर अगर तीर्थ क्षेत्रों के प्रति हम शिथिलता या प्रमाद रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, निश्चित ये संकट केवल पाप कर्म के कारण नहीं है। कर्म तो एक कारण है, हमारी उपेक्षा, हमारी शिथिलता, हमारी अदूरदर्शिता इसमें प्रबल कारण है। यदि समाज समय समय पर जागरूक रहे तो कभी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वर्तमान में जैन समाज जागी है, उसका प्रभाव दिख रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी शुभ सूचना आप लोगों के पास आएगी। लेकिन इससे नसीहत लेनी चाहिए अपने तीर्थ क्षेत्रों और धर्मायतनों के प्रति, अपने धरोहरों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जब तक आपकी जागरूकता है कोई आँच नहीं आएगी, और जागरूकता खो जाए तो कहीं आप बच नहीं पाओगे। इसलिए जागरूकता के प्रति हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। उपस्थित हूँ श्रीमती विभा जी दीपक जी काशीवा इंदौर से, उसके पूर्व निर्मल कुमार जी, राजेश जी, सैनिक जी, विशाल जी, अभिषेक जी, श्रेयान सरगम, स्वस्ति, मंजू लोंगिया परिवार, विकास मधुल गंगवाल परिवार के साथ इनका सम्मान करेंगे CEO CFO श्रीमान सुनील जी जैन, सुनील जी हाँ, और श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा साहब कोषाध्यक्ष सेवायतन, और प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती विभा जी दीपक जी काशीवाल कल्याण भवन इंदौर। तैयार रहेंगे एकता जैन, इनकम टैक्स कमिश्नर रवि जैन, रेलवे जैन, रेलवे बोर्ड कहाँ से? दिल्ली से। ओ हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। विभा जी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या हमारे मनस्थिति पर आधारित होती हैं, या जो हमारी मनस्थिति होती है वह हमारी परिस्थितियों पर आधारित होती है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परिस्थितियाँ क्या हमारी मनस्थिति पर निर्भर करती है? मनस्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है। देखिए, हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें अनेक कारण होते हैं। मनस्थिति परिस्थिति को जन्म देती है, ये बहुत छोटी बात है। परिस्थिति को जन्म देने में हमारा कर्म, हमारा परिवेश सब कारण बनता है। अनेक प्रकार के संयोग मिलकर के परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिन पर हमारा अपना कोई जोर नहीं होता। लेकिन मनस्थिति हमारी होती है। मनस्थिति कर्म से प्रभावित जरूर होती है, लेकिन पुरुषार्थ जग जाए तो हम अपने मन को उससे अप्रभावित भी रख सकते हैं। इसलिए परिस्थिति का रोना रोने की जगह हमेशा एक बात सोचना चाहिए कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी है। मनस्थिति हमारे हाथ में है तो हमारा नियंत्रण हमारी मनस्थिति में हो, परिस्थिति में नहीं। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति को हम अनुकूल बनाकर रखें। हाँ, उपस्थित हूँ श्रीमती एकता जी, रवि जी जैन, इनकम टैक्स कमिश्नर एंड रेलवे बोर्ड से। तैयार रहेंगी डॉक्टर रश्मि जैन, एस के जैन, इंदौर। डॉक्टर रश्मि जैन सिंघई। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या हमने कभी तीर्थंकर भगवान के समोचरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, और यदि सुनी तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो छूट क्यों गया, और अब ऐसा क्या करें कि हो जाए और छूटे ना कभी भी। देखिए, बात सही है, तीर्थंकर भगवान तो पहले तो मैं चाहूँगा इन एकता बहन के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये एक अच्छी अधिकारी होने के साथ साथ विशुद्ध धार्मिक साविका भी है, और रवि भी साथ में है, दोनों आज इनकम टैक्स और रेलवे में है और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के रहने से हमारे समाज का गौरव बढ़ता है, जो अधिकारी होने के साथ साथ श्रावक भी होते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने जो सवाल किया कि हम कभी तीर्थंकरों के समोसरण में गए कि नहीं गए, गए तो सम्यक दर्शन तो हुआ ही होगा, और हुआ तो छूटा क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी न कभी समोसरण में गए, और समोसरण में गए हैं उसी से मेरा अभ्युदय शुरू हुआ, पर रास्ता भटक गए। लेकिन आज हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वापस भगवान के मार्ग में लग गए। ये बात मैं अपनी ओर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे अंतर मन में समो शरण के संस्कार बड़े प्रगाढ़ हैं। आज से लगभग 30 साल पहले से मैं जब भी ध्यान करता, आंखें बंद करता, तो मुझे साक्षात समोसरण दिखता, और मुझे लगता है कि उसी संस्कार के परिणाम स्वरूप गुणायतन में प्रदर्शित होने वाले जो सोरिंग राइड है उसके समोसरण की संरचना हो पाई। क्योंकि ये सब चीजें केवल ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होती, ये चीज़ें कल्पना को चरितार्थ करने से होती है। और मेरे साथ जो जुड़े इसके टेक्निकल्स डायरेक्टर्स वगैरह थे, उनको भी देख के मुझे लगा कि जरूर हम लोगों का कोई पुराना तारतम्य जुड़ा होगा। हालांकि ये मेरे मन की धारणा भी हो सकती है, लेकिन भगवान के समो शरण में जाने वाला सम्यक दृष्टि तो हो जाता है, वो भी तब जब अंतिम श्री मंडप भूमि में जाए, 8वीं भूमि में। पर ये सम्यक दर्शन सतत बना ही रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन छूट भी जाता है। तीर्थंकर भगवंतों के समो शरण में मारीच, खैर मारिस तो नहीं गया, ऐसे पुराणों में हम टटोलेंगे तो अनेक उद्धरण मिलेंगे। केवली भगवंतों से व्रत लेने वाले, केवली भगवंतों के संपर्क में आने वाले लोग भी भटके, तो भटकाव स्वाभाविक है। लेकिन एक बार जो भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है उसका उद्धार तो सुनिश्चित हो जाता है। वो थोड़ा बहुत अटक जाएगा पर उसका रास्ता जरूर प्रशस्त होगा। और हमने कभी दिव्य ध्वनि सुनी या नहीं सुनी, जब आने वाले दिनों में गुणायतन आओगे तो सम्मेद शिखर में आने के बाद समो सदन में साक्षात वंदन करने का सौभाग्य आपको जरूर मिलेगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते डॉक्टर रश्मि जी सिंघई, एस के सिंघई उपस्थित हुआ, तैयार हैं दीप्ति जैन मुंबई, राहुल जी दीप्ति जैन मुंबई। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में डॉक्टर रश्मि जैन एवं उनके पति सिंह शांत कुमार जी का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कोढ़ा कोड़ी कितनी संख्या होती है, और कूट शब्द का एवं टोंग शब्द का भावार्थ क्या होता है? कोढ़ा कोड़ी का मतलब है 1 करोड़ × 1 करोड़, ठीक है, तो करोड़ गुणित करोड़ बराबर कोढ़ा कोड़ी। कूट और टोंग, कूट का मतलब होता है पर्वत की चोटी, तो कूट मूल शब्द था, उसी का अपभ्रंश होकर के हमने कूट को टोंक कर दिया, तो जितने टोंक है वो इतने शिखर थे पर्वत के। अब तो ये धीरे धीरे छोटा होता गया, ये अवशिष्ट पहाड़ है,
जो धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। तो अपने समय में ये 12 योजन का पर्वत था, अब सिमट के रह गया है। तो उस समय हाइट भी ज़्यादा रही होगी, तो इतनी सारी श्रृंखलाएं थी, इतनी सारी चोटियां थी, ऐसा समझ। हाँ। दीप्ति जी, राहुल जी, मुंबई से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती शशि जैन, प्रवीण जैन, करुणा जैन, अजित जैन, मेहरोनी ललितपुर, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान महावीर अकेले ही मोक्ष दीक्षा लिए थे उन्होंने, पर बाकी सब भगवान जी के साथ में काफ़ी और दीक्षाएं हुई थी, ऐसा क्यों? भगवान महावीर के साथ बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई दीक्षित नहीं हुआ, अकेले हुए, बाकी के साथ अनेक लोग लिए, ऐसा क्यों? इसे एक संयोग कह सकते हैं, इसका कोई कारण नहीं कह सकते। ये एक संयोग है, भगवान महावीर के काल में ऐसा वातावरण बना कि और लोग उस समय तैयार नहीं हुए, बाद में तो बहुत प्रेरित, ऐसा समझ। हाँ, अगला उपस्थित हूँ श्रीमान अशोक कुमार जी, माइक उठाइए। अरे यार, अगला नाम बोलिए। श्रीमती रेखा शरद जैन, आकांक्षा गौरव, सिद्धिका जैन, ओहित जैन, जल्दी खड़े अपने स्थान में। उपस्थित डॉक्टर कीर्ति जैन खरगोन, डॉक्टर कीर्ति जैन खरगोन, बाल ब्रह्मचारी बहन विजय लक्ष्मी जी के अनुज, इंदौर से हेमंत जी, नेत्री काशी वाले, उपस्थित हो जाए, जल्दी दीजिए। अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम खरगोन से हूँ मैं, डॉक्टर कीर्ति जैन। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, हमारे मनुष्य जीवन का सार क्या है? कहते हैं जिनेन्द्र अर्चना वंदना पूजन पाठ, शिखर जी की यात्रा, ये सब हमें अपने परिवार अपने पति के साथ करना चाहिए, लेकिन यदि हम अकेले यह यात्रा करते हैं, ऐसी अर्चना वंदना करते हैं, तो क्या इससे हमें फायदा नहीं होगा? क्या इससे हमारा उद्धार नहीं होगा? देखिए, आपका दो सवाल है, पहले तो जीवन का सार, और दूसरा धार्मिक क्रियाएं अकेले करें तो हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, है ना? तो देखिए, जीवन का सार आप मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगा, भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। व्रत संयम त्याग तप के मार्ग में बढ़कर अपने चेतना को रूपांतरित करना ही मनुष्य जीवन का सार, पहली बात। अब जो सवाल है धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने का, कि अकेले करे तो हमारा उद्धार नहीं होगा क्या? देखिए, उद्धार तो अकेले का होता है, साथ में तो झमेला। जितने भगवान गए वो अकेले ही गए, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? उसकी एक वजह है कि इसके कारण पूरे परिवार में धर्म की परिपाटी बनी रहेगी, समझ गए? अगर आप लोगों को ये ना बोला जाए तो फिर आपके साथ वाले और आलसी हो जाएंगे, समझ गए? इसलिए कहते साथ लेकर चलो, और ये श्रेय धर्म पत्नियों को मिलता है, पतियों को नहीं। तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इसी बहाने लगा लो। बाकी ऐसा मत सोचना कि किसी का जीवन साथी या परिवार के सदस्य उसके लिए सहयोगी नहीं है तो उनका उद्धार नहीं होगा। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत पुण्य पाप होता है, वो आप अपना ही कर सकते हैं, लेकिन एक धर्मात्मा के हृदय में मनोभाव रहता है कि मेरा पूरा परिवार धर्मनिष्ठ बने और मिलजुल कर काम करे। मैं दूसरी बात करता हूँ, परिवार के सदस्य यदि घूमने फिरने जाते हैं तो पूरे परिवार को लेकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। जब दुनियादारी के कार्यों में तुम सम्मिलित होकर जाते हो तो तीर्थ यात्रा में भी साथ चलो, उसके फायदे। एक तो जिसकी अल्प रुचि है उसकी भी रुचि जग जाती, दूसरा इस बहाने साथ रहने से हम लोगों का एक दूसरे से संवाद जुड़ता है, फिर अनेक लोगों से परिचय और संपर्क भी बनता है। तो ये सारे फायदे हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सब मिलकर करें, पर यदि ये संभव नहीं है तो जितना बने उतना करें। बाल ब्रह्मचारी बहन विजय लक्ष्मी जी के अनुज, श्रीमान हेमंत जी, नीता जी कासलीवाल उपस्थित हों,
और तैयार रहें। प्रदीप जी जैन शास्त्री, विजयनगर, इंदौर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर की प्रेरणा से और आशीर्वाद से भारत बने भारत अभियान की ध्वजवाहक विजयलक्ष्मी दीदी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये था कि रासायनिक संबंध हमने संसार में पढ़े थे, उसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके रासायनिक संबंध बनाते हैं, तो गुरुवर आत्मा का और कर्म का संबंध आपके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो उसका थोड़ा सा मेरे को स्पष्टीकरण में चाहता था कि इसमें रासायनिक संबंध कैसे स्थापित हुआ, या उसको आध्यात्मिक संबंध कहेंगे या रासायनिक संबंध कहेंगे। बहुत अच्छा, बैठ जाएं आप लोग। कर्म और आत्मा का जो बंधन है, मैंने अनेक बार अपनी चर्चाओं में कहा, ये रासायनिक है। तो रासायनिक का मतलब क्या होता है? कोई केमिकल कंपाउंड मात्र ही नहीं है। कर्म और आत्मा का बंधन, कर्म पुद्गल है, उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व का गुण है। संसारी जीव को भी हम कथनचित मूर्तिक मानते हैं, तो स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से कर्म के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, आत्मा का प्रदेश उसमें आधार बनता है। इसलिए इस बंधन को हम रासायनिक बंधन कहेंगे, क्योंकि कर्म बंधे हैं किससे? आत्म प्रदेशों में। वो रसायन जब बदलते हैं तो कर्म गल जाते हैं, ऐसा समझ। आइए, श्रीमान प्रदीप जी जैन शास्त्री, विजयनगर, इंदौर। और हमारे बीच में आज इस सभा में विराजमान है श्रद्धेय श्रीमान सत्यानंद जी गिरी, बोधगया महंत, बोधगया के महंत श्री सत्यानंद जी एवं श्री विवेकानंद जी गिरी। निवेदन उनसे आए गुरुदेव के चरण में आकर के नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अग्रिम पंक्ति विराजमान हो। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गणतंत्र के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन, श्रीमान देवेंद्र जी अजमेर साहब बोध गया और श्रीमान डब्बू जी का आशीर्वाद, आइए सम्मान करने के लिए। हाँ, बोध गया मान श्रीमान सत्यानंद जी गिरी, श्री विवेकानंद जी गिरी, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। ये आज योग के चरणों में उपस्थित हुए हैं संकल्प समाधान के इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत साधुवाद के साथ उनका सम्मान करते हैं और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। शास्त्री जी, हाँ बोलिए, तैयार रहेंगे। श्रीमती सूरज जैन, अभिनंदन पैकेजिंग परिवार, इंदौर। दोस्त गुरुवर, चार पंक्तियां गुरुवर के लिए कि भावनाओं से बड़ा भगवान नहीं हो सकता और कल्पनाओं से कड़ा पाषाण नहीं हो सकता। देवताओं की तरह पुस्ते तो देखे हैं बहुत, मगर हर संत प्रमाण सागर नहीं हो सकते। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी, अपने पास दो प्रकार का मन है, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। चेतन मन का इस्तेमाल तो सभी जानते हैं, पर अचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करें? अचेतन मन तो सबका मूल है, वही प्रेरणा देता है। अचेतन मन यानी हमारे अंतस्थ चेतना के संस्कार, जिसकी सारी प्रवृत्तियाँ, जो समस्त प्रवृत्तियों का जनक और प्रेरक है। हमारी प्रवृत्तियाँ हमारे व्यक्त मन चेतन मन के माध्यम से होती है, पर जो भी होता है उसका संस्कार अचेतन मन, जिसको अवचेतन मन भी कहते हैं। श्रीमती सूरज, राहुल जी सेठी तैयार है, मृदुल जी हाँ तैयार रहेंगे, राहुल जी सेठी बस लास्ट फिर महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आपके प्रवचन प्रवचन तो होते हैं पर मोटिवेशन होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मेरी मम्मी, आज से 8 दिन पहले मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था और वो आपके प्रवचन नित प्रतिदिन सुनती है। हम लोगों के सब टिकट कैंसिल होने को थे, मम्मी ने बोला नहीं मैं तो जाऊंगी, वो प्रमाण सागर जी महाराज के मेरे को दर्शन करना है और अब मैं दर्शन करे बगैर मैं हार नहीं मानूंगी, आप लोग चलो मेरे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा कि आप बिल्कुल 4 हफ्ते रेस्ट कराओ, नहीं ले जा सकते। हमारी मम्मी ने बोला कि कुछ भी हो जाए मेरे प्राण यहाँ निकल रहे हैं, इससे अच्छे मेरे प्राण सिद्ध क्षेत्र में निकलेंगे। उनकी इस बात को सुन के जो प्रेरणा मिली, हम सभी लोग एक भी टिकट कैंसिल नहीं हुआ, 40 ही लोग हम सब आ सके, ये कौन सा पुण्य था या ये कौन सा पाप भी था हमारा कि हमारी मम्मी शिखर के वंदना नहीं कर पाई। आपने भी बोला मत कराना, पर शिखर की वंदना नहीं हो पाई, इसका ये क्या हमारा कर्म का उदय? नकारात्मक क्यों सोचते हो? ये पाप का उदय नहीं, ये तुम्हारे पुण्य का उदय है कि तुम्हारी मम्मी के निमित्त से 40 लोगों की वंदना हो गई।
अगर मम्मी ने इतनी हिम्मत नहीं बधाई होती तो क्या तुम आ पाते? बहुत अच्छी बात है, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कल वो मुझसे भी मिली, देख के लगेगा नहीं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, यही तो ताकत है। हालांकि इस बात को सुनकर दूसरे लोग ऐसा ना करें कि अटैक आए तो हमको परवाह नहीं करना, भावना गड़बड़ा जाएगा। लेकिन इतना पता है कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसका ध्यान रखना। नमस्ते, बहुत बहुत संयोजक बारह सौ 51 तीर्थयात्रियों के श्रीमान राहुल जी अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ अंतिम प्रश्न के लिए, और मैं परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा आगे प्रश्न के लिए। चलिए, कश्मीर वाले बाबा की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 1251 यात्री तो आ गए, लेकिन शंका सिर्फ एक है इन सब युवाओं की कि जो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, उनको मान सम्मान सब मिलता है, उनके कारण ट्रेन निकल जाती है, लेकिन जो तन से और मन से पूरी ताकत से इस यात्रा के लिए सेवा करते हैं, उन्हें कितना फल मिलता है, उनको कितना मान सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, दान और योगदान दो शब्द हैं। दान से बड़ा योगदान होता है। तुम कितना भी दान दो, अगर योगदान देने वाले न मिले तो काम होगा क्या? इसलिए मैं चाहूंगा एक बार सभी योगदान देने वालों को जोरदार। जहां तक मान सम्मान का सवाल है, मोटिवेशन मिलता है, हमें मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन मैं सभी से कहता हूं, मान सम्मान के लिए ये काम कभी करना नहीं। मैं तो अपने धर्म वृद्धि के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे लिए कोई दो शब्द कह देगा तो मुझसे उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे लिए कोई एक माला पहना देगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे माला नहीं पहनना, मुझे माला माल बनना है। वो तो तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक आता है। जितने लोग भी अच्छे कार्यों में अपनी सहभागिता देते हैं तन मन धन से, उनको सबकी यात्रा का छठवां भाग आता है, 16%। खाटी कमाई है, खाटी समझते हो ना, शुद्ध कमाई, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं को इस बात की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि लोग हमें सम्मान दे रहे हैं या नहीं, उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए। पर जिनकी सहभागिता है उन्हें चाहिए कि एक बार धन्यवाद तो जरूर दें। अभी आप लोग आए हो, आपके कमरे पहले से तय, आपके खाने का ठिकाना पहले से तय, आपकी अन्य सुविधाएं पहले से तय, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब करने वाले कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि नहीं कि उनको आप धन्यवाद के दो शब्द कहो? पर लोग धन्यवाद कम, शिकायतें ज़्यादा करते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा कम दिया, वैसा कर दिया, तुम्हारे बाबूजी के नौकर बनकर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी सोच लेकर चलने से, एक दूसरे को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने से ही हम अपनी परिपाटी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो पहले तो मैं तुम्हारे सारे सहयोगियों को, टीम को एक व्रत देना चाहता हूं, काम करेंगे सम्मान की चाह नहीं रखेंगे। समझ गए? संकल्प लो। क्यों? इससे तुम्हारा मन खट्टा हो जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाता है और कार्यकर्ता सम्मानित हो जाता है, तब ज्यादा कुलबुली होती। तो बीमारी आने ही मत दो, एक वैक्सीन लगा लो। समझ गए? और आप सब लोगों से यहां उपस्थित और जो आगे भी हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में हम सहभागी होंगे तो उसके कार्य को संपन्न करने वाले को जी भर कर धन्यवाद देंगे। चलिए, अब मैं इस धर्म सभा की ओर से परम पूज्य
निर्वेश शंकर जी महाराज कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए निवेदन करें, गुरुदेव अपने मुख से ऐसी शंका प्रस्तुत करें जिससे हमारा ज्ञान आलोक वृद्धिमगत हो। नमोस्तु शास्त्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अच्छा, पुण्य की बात है कि महानगरों में रहकर और भौतिकता की चकाचौंध में अपना जीवन गुजारने वालों को अगर अपने देव सास गुरु की स्मृति बनी है और उसके अनुसार अपना आचरण करने का मन बना रहे हैं, यह भी इस पंचम काल में बहुत अच्छे पुण्य की बात है। और आप लोगों ने जो अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करके इस सम्मेश शिखर जी की वंदना करने और गुरु वंदना का जो भाव संजोया है और उसके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं ने तन मन, पहला क्या आता है तन मन और बाद में धन आता है, और धन जिन्होंने दिया वो तो ठीक है, किंतु तन मन जिन्होंने लगाया वो निश्चित ही बहुत प्रशंसा और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमें ध्यान है एक बार का प्रसंग, जब महाराज जी भी शायद सागर में पंचकल्याणक हो रहा था तो पूरा पंचकल्याणक खूब सानंद संपन्न हुआ, और जब फेरी होने के बाद आचार्य महाराज मंच पर बैठे तो उन्होंने कहा इस पंचकल्याणक में सबसे पहला मेरा आशीर्वाद किसको है, तो जिन्होंने अपने इस कार्यक्रम की शोभा रचना को देखने की वजह उस भोजनशाला में बैठ कर के जो आपके भोजन की तैयारी 5 दिन कर से कर रहे, तो उनको मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। अर्थात जो कार्यकर्ता छुपा होता है उसको अपने आप आशीर्वाद तो गुरु का मिलता ही है। एक प्रश्न पूज्य श्री के समक्ष हम रख रहे हैं कि छैडाला की एक पंक्ति आती है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुल ताविन कहिए। कर्ता यदि वास्तव में सुख है तो आकुलता जीवन में नहीं हो, यही सबसे बड़ा सुख है। इस पंक्ति के अवधारणा बना करके अथवा भूमिका बना करके आज बहुत से लोगों की धारणा बनती जा रही है कि व्रत नियम संयम लेने से तो आकुलता होती है और हम आकुलता से बचना चाहते हैं इसलिए हम व्रत नियम संयम नहीं लेते। एक ने कहा हमारा तो नियम है कि हम कोई नियम नहीं लेते। एक बार शायद आचार्य ने कहा था या धवला पुस्तक के स्वाध्याय के समय कि अविरत सम्यक दृष्टि की विशुद्धि की अपेक्षा व्रती का संकलेश असंख्यात गुणी कर्म निद्रा का कारण बनता है। इस विषय पर आपका व्याख्यान हो। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है हमारा श्री ने। ये कुछ लोग आजकल कहने लगे हैं, वे ऐसे वे ही लोग हैं जिन्होंने व्रतों के स्वरूप को नहीं समझा और व्रतों के प्रयोजन को नहीं जाना। सच्चे अर्थों में व्रत लेने में आकुलता नहीं होती, आकुलता को मिटाने के लिए व्रत लिया जाता है। अगर कोई व्रती व्रती बनकर आकुलता करता है तो ये मानकर चलना चाहिए कि उसने अभी व्रत का सही रस नहीं लिया। ये अनुभव सिद्ध बात है कि व्रत लेने से आकुलता मिटती है। मैं आप लोगों से कहता हूं, सामान्य दिनों में आप लोग खाने पीने का कोई नियम संयम नहीं रखते, खाने पीने में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, समय आगे पीछे होता है, उसके स्वाद में कुछ अंतर आ जाता है या आपकी चॉइस के अनुकूल नहीं होता, आकुलता होती है कि नहीं बोलो। उठते ही बेड टी चाहिए, अगर नहीं मिले तो दिमाग गरम होता है, ये आकुलता है कि नहीं। लेकिन जिस दिन आपने तय कर लिया कि कल की तिथि में मैं एकासन करूंगा या उपवास,
आपके मन में कोई विकल्प आता है तो बोलो, ये व्रत लेने से आकुलता मिटी कि आकुलता बढ़ी? इसलिए धारणा बदल दीजिए कि व्रत लेने में आकुलता होती है, सच्चे अर्थ में आकुलता मिटाने के लिए व्रत लिया जाता है। अंतर से व्रत लो, अपनी चेतना को जगा करके व्रत लो। व्रत के साथ जब मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है तब उसकी आकुलताएं सहज शांत होने लगती है। जब केवल क्रिया बन जाती है, व्रत को एक क्रिया के रूप में लोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए आकुलता दिखे, पर व्रतों को अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखोगे तो हर पल निराकुल होगे। हमारे यहां व्रत संयम को अंगीकार करने के उद्देश्य को बताते हुए कहा गया, राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने अंदर के राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए ही चरित्र को अंगीकार किया जाता है, संयम के रास्ते पर चला जाता है। तो हम उस राग द्वेष की निवृत्ति करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह अवधारणा ठीक नहीं कि व्रत लेने में आकुलता होती है इसलिए मेरा तो एक ही नियम है, किसी नियम में नहीं बंधूंगा, यह भ्रांत धारणा है। नियमों के बिना तो जीवन में मजा ही नहीं, नियम से नियंत्रण होता है और नियंत्रण में ही निराकुलता है। एक परिवार आया मेरे पास, उनमें एक युवा था, लोगों ने कहा महाराज इसको कुछ नियम दीजिए। यद्यपि मैं किसी को नियम चला के नहीं देता, मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई खेल खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी एक टीम होती, दो टीमें होती है, एक बैटिंग करती है एक फील्डिंग करती है। बोले क्या करते उसमें? बोले बल्ला पकड़ करके कहीं भी गेंद घुमा दे। नहीं महाराज जी उसके रूल्स है, क्रीज होता है, क्रीज में बैट्समैन होता है, बॉलर अपने पॉइंट से बॉलिंग करता है, फील्डिंग करने वाले के भी स्थान नियमित होते हैं, चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, उसके अनुरूप काम होता है। हमने क्या मतलब है खेल खेलना है, नियम की क्या जरूरत है? कहीं भी बल्ला घुमा दो, कहीं भी बाउंड्री। नहीं नहीं महाराज जी फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा भैया अभी तुम कह रहे थे कि मेरा किसी नियमों में विश्वास नहीं है, क्रिकेट खेलते तो इन नियमों को पालते हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज पालते, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। मैंने उसे समझाया कि जैसे क्रिकेट के खेल का मजा तभी तक है जब क्रिकेट के नियमों को पालो, जीवन का मजा भी तभी तक है जब जीवन के नियमों को पालो। नियम का मतलब है जीवन में एक लय आना। नियम बंधन नहीं है, नियम आत्मानुशासन का आधार है। जब आत्मानुशासन होता है तो व्यक्ति की इच्छाएं अपने आप परिमार्जित और परिष्कृत होती है, उसके जीवन की दिशा और दशा बदलती है, तो हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया, सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी आराधना ऐसे ही चलते रहे और ऐसी भावना रहे। दो पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग, देव साथ गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना भाकर यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थ शक्ति स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमद नगर निवासी श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया,
सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता, सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसी पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर, वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrustee.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधु श्रीमान राजकुमार श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधु श्रीमान ललित श्रीमती नीलम श्रीमान सुशील ब्रज श्रीमान सुनील श्रीमती ऋतु श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला श्रीमान प्रवीण श्रीमान अजय श्रीमती संगीता श्रीमान अमित श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन पुत्र एवं पुत्र वधु विकास जैन सोनिया जैन विजय जैन अंशु जैन पौत्र ऋषभ ऋषान पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार, श्री चंदर सेन विनोद कुमार जैन रामपुर वाले VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून, श्रीमान अजीत श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल पुत्र पुत्र वधु श्रीमान अनिल श्रीमती नीतिका पौत्र महक मंत वेदिका गुवाहाटी पुत्र पुत्र वधु श्रीमान अजय श्रीमती निकिता पौत्री टियारा हुनर दिल्ली पुत्री अनु विनीत दिशा नित्या फर्म AN स्टील, स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधु श्री पारस जैन बज श्रीमती कुसुम जैन बज श्री प्रतीक जैन श्रीमती श्वेता जैन श्री पराग जैन श्रीमती मेघा जैन पौत्री सनाया पौत्र आरफ कयान रिद्दान अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई ठोले श्री कैलाश चंद्र जी सुधा ठोले प्रकाश चंद्र जी सरोज ठोले श्री मुनीश श्रीमती शोभना ठोले कोपरगांव महाराष्ट्र श्री सुरेश जी श्रीमती रानी जैन डाल्टनगंज बिहार श्रीमान संदीप जी श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता श्रीमान विज्ञ जी श्रीमती ममता पाटनी इंदौर श्रीमान नीरज जी श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता श्रीमान राहुल जी श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा डॉक्टर अभिजीत जी श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर श्रीमती यतन कुमारी श्रीमान विशाल मधु दिशा निमिषा मयंक जैन निवासी आगरा श्री संजय जी सीमा शैलजा श्रियांश शिलोंग राहुल जी संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत श्री सुरेश अजमेरा श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली श्री नितिन अजमेरा श्रीमती शेफाली अजमेरा गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क श्रीमती सरोज श्री सुनील आशिका प्रतीक जैन अंकित एवं खुशबू पटौदी फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन